से 3 एम्पर्स में। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआस और ब्लड प्रोटोजोआस क्विकली क्विकली थोड़ा सा करेंगे। आप लोगों का रिवीजन क्लास ही है, एनाटॉमी का हिस्टोलिटिका आप लोग कर सकते होंगे डॉक्टर रूज के साथ। स्नेरियो एनाटॉमी का हिस्टोलिटिका के स्नैरियो किस तरह आ सकता है। मैं 56 इयर्स ओल्ड मेल इमिग्रेंट फ्रॉम द बोलिविया कंप्लेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। ही कमेंट्स दैट 12 मंथ्स प्रीवियस टू हिज करंट प्रॉब्लम्स ही हैड न्यूमरस ब्लडी स्टूल्स एवरी डे। फिजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ओवर द लीवर विद हेपेटोमेगैली एंड लीवर बायोप्सी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या है, 56 ईयर ओल्ड मेल है। एक तो इसकी हिस्ट्री है फ्रॉम इमिग्रेशन की, उसके बाद ने किसने प्रेजेंट किया एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग के साथ। 12 इसके अलावा उससे क्या कंप्लेन है, न्यूमरस ब्लडी स्टूल्स। ठीक है, हमें पहले इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ में हमें डायरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो डायरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ का पता होना चाहिए, कौन कौन से प्रोटोजोआ है। इंटेस्टाइनल ट्रैक में एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है, फ्लैजिलेट गार्डिया लेम्ब्रिया गार्डिया और गार्डियासिस काज करता है और वो भी डायरिया कॉज करता है। मगर आप लोगों को एक डिफरेंस बता होगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो ब्लडी डायरिया कॉज करता है जबकि क्लैडियासिस में ब्लडी डायरिया नहीं होता, फॉल स्मेलिंग जस्ट डायरिया होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह प्रोसीड करना है। उसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है, लीवर हेपेटोमेगैली शो कर रहा है। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी क्या, अभी हम उसके क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ये क्या होता है, लीवर अब्सेस वगैरह भी कॉज करता है। आप लोगों को दोबारा से रिवाइज हो जाएगी ये चीजें। ठीक है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसमें और जिसमें गार्डिया सेटिलेट गार्डिया लेम्ब्रिया जिसे हम बोलेंगे, एंटीस्पोरोजोन क्रिप्टोस्पोरिडियम। डिजीज एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, ये अमीबिक डिजेंट्री करेगा एंड लीवर एब्सेस वगैरह। टू इम्पोर्टेंट एंटामीबा हिस्टोलिटिका के साइकिल में हमें टू स्टेजेस लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट है, मोटाइल अमीबा ट्रोफोसाइट फॉर्म जिसे कहते हैं या फिर नॉन मोटाइल सिस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को ट्रोफोसाइट फॉर्म, ट्रोफोसाइट में एरिथ्रोसाइट्स इन द फूड वैक्यूल, ये एरिथ्रोसाइट्स हैं फूड वैक्यूल के अंदर और ये न्यूक्लियस है इसका एक्टोप्लाज्म वगैरह, ये ट्रोफोसाइट फॉर्म है व्हिच इज द मोटाइल फॉर्म। और इसके अलावा एक फीसिस फॉर्म होती है और सिस्ट फॉर्म होती है। सिस्ट फॉर्म में क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्ट फॉर्म में 4 न्यूक्लियाई होते हैं। ये आप लोगों को पिक्चर भी दे सकते हैं, लाइक आप लोग की ऑस्पी वगैरह में हो सकता है कि सिस्ट इसकी फॉर्म हो और साथ स्नैरियो यही दिया हुआ हो या कोई और स्नैरियो दिया हुआ जिसमें ब्लड डायरिया हो रहा हो या फिर लीवर में हेपेटोमेगैली शो की हुई हो जो लीवर एब्सेस वगैरह की तरफ जा रही हो। सिस्ट हैज 4 न्यूक्लियाई एंड इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको 4 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 व्हिच इज द इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सिस्ट। अपॉन एक्सिस्टेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक पिकोरोलम से जाता है। ठीक है, एक्सिस्टेशन के दौरान क्या होगा, अमीबा विद द 4 न्यूक्लियाई मेट, जब एक्सिस्टेशन होगी सिस्ट जो है रप्चर होगी, उसकी एक्सिस्टेशन हुई है उसमें से क्या निकलेगा, 4 न्यूक्लियाई अमीबा निकलेंगे एंड देन डिवाइडेड इनटू 4 एंड डिवाइडेड इनटू 8 ट्रोफोसाइट्स। 4 निकले वो डिवाइड हो गए और उन्होंने कितने ट्रोफोसाइट्स बनाने हैं, 8। सिस्ट प्रीडोमिनेट्स इन नॉन डायरियल स्टूल्स, सिंगल न्यूक्लियस है और ट्रोफोसाइट में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है एंड इवन लाइनिंग ऑफ पेरिफेरल क्रोमेटिन एंड ए प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियोलस। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है। ठीक है, फूड वैक्यूल कंटेनिंग एरिथ्रोसाइट्स एंड दिस इज एक्टोप्लाज्म।
न्यूक्लियस को कैरियोसोम कहते हैं। द ट्रोफोसाइट इज फाउंड विद इन द इंटरस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल लीजंस एंड इन डाइजेस्टिव स्टूल्स। हमने ये देखा नॉन डाइजेस्टिव स्टूल में हमें क्या मिलेगी, सिस्ट मिलेगी, और जबकि डाइजेस्टिव स्टूल में हमें क्या मिलेगा, ट्रोफोसाइट फॉर्म विच इज द मोटाइल फॉर्म। इंटरस्टाइनल लीजन और एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल लीजन में भी हमें मोस्टली ट्रोफोसाइट फॉर्म मिलेगी। इसका लाइफ साइकिल आप लोगों को पता होना चाहिए। इंजेक्शन ऑफ फोकली इंजेक्शन ऑफ द फीकल कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फीकल कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर बॉर्न डिजीज है, फूड वाटर बॉर्न डिजीज है, तो हम लोग क्या इंजेस्ट करते हैं, हम लोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट जो है हम इंजेस्ट करते हैं, सिस्ट इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है कि वो इन्वेजन ऑफ कॉलोन बाय ट्रोफोसाइट्स, यहाँ पे जाके इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या होता है, एक्सिस्टेशन होती है, एक्सिस्टेशन कॉलोन के अंदर होती है, एक्सिस्टेशन होती है, वहां पे क्या रिलीज होंगे, ट्रोफोसाइट्स रिलीज होंगे। इसके अलावा इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ लिमिटेड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन 90% ऑफ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, जबकि 10% ऑफ केसेस में इन्वेसिव डिजीज होती हैं और 1% ऑफ केसेस में एक्स्ट्रा इंटरस्टाइनल डिजीज होती हैं। ट्रांसमिशन क्या है, कोई इसका एनिमल रिजर्वायर नहीं है, फीकल ओरल रूट से क्या होना है, इसमें ट्रांसमिट होना है, फीकल ओरल रूट से इनसाइड अंदर मूव करना है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाएगा। मैच्योर सिस्ट आर पास इन द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड ह्यूमन, जो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन होंगे चाहे सिम्टोमेटिक हो एसिम्टोमेटिक हो, मैच्योर सिस्ट उनके पास होंगी इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन। अनदर ह्यूमन कैन गेट इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग देम इन फीकली कंटामिनेटेड वाटर फूड्स और हैंड्स। उसके बाद अगर वो तो एसिडिक स्टमक के अंदर सर्वाइव कर जाती है, दे ट्रांसफर बैक इन टू द ट्रोफोसाइट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेंगे, वो ट्रोफोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। द इंजेस्टेड सिस्ट डिफरेंशिएट इनटू ट्रोफोसाइट्स इन द आइलियम बट टेंड टू कॉलोनाइज इन द सीकम एंड कॉलन। आइलियम के अंदर वो क्या होती है, वो डिफरेंशिएट होती है ट्रोफोसाइट्स के अंदर, बट कॉलोनी वो कहां पे बनाती है, सीकम और कॉलन के अंदर। पैथोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए, पैथोजेनेसिस क्या है, द ट्रोफोसाइट इन्वेड द कॉलोनिक एपिथेलियम एंड सीक्रेट एंजाइम दैट कॉज लोकलाइज्ड नेक्रोसिस। वो इन्वेड करते हैं एपिथेलियम के अंदर, कॉलन की एपिथेलियम के अंदर, और लोकलाइज्ड नेक्रोसिस कॉज करते हैं। एज द लीजन रीचेस द मस्कुलरिस लेयर, एपिथेलियम को इन्वेड किया, इन्वेड करने के बाद म्यूकोजा सब म्यूकोजा, और जब मस्कुलरिस लेयर तक पहुंचा तो एटिपिकल फ्लास्क ये अल्सर्स फॉर्म दैट कैन बी अंडरमाइन एंड डिस्ट्रॉय लार्ज एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इसमें किस तरह के लीजन बनेंगे, फ्लास्क शेप लीजन। मैं आप आगे आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इस पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ऊपर नैरो नेक है, ठीक है, नैरो सी नेक है, उसके नीचे क्या है, वाइट सा एरिया है। किस तरह की शेप बन रही है, फ्लास्क शेप। प्रोग्रेशन इन टू सब म्यूकोजा लीड्स टू द इन्वेजन ऑफ द म्यूकोजा के बाद जब सब म्यूकोजा में आएंगे, ठीक है, वहाँ पे वेसल्स वगैरह होंगी, पोर्टल सर्कुलेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, प्रोग्रेशन टू सब म्यूकोजा लीड टू इन्वेजन ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन, वहाँ से ये पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होते हैं और जाके जहाँ पे लीवर के अंदर अब्सेस वगैरह बनाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। बाय फार द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ द सिस्टेमिक डिजीज इज द लीवर, लीवर मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट है जहाँ पे ये लीवर अब्सेस वगैरह बनाते हैं। ये आपको फ्लास्क के रीजन की डायग्राम है, यहाँ पे परफोरेशन शो हो रही है। क्लिनिकल फाइंडिंग से आऊंगी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। एक्यूट इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में क्या करता है, ये प्रेजेंट हमें किस तरह करता है, डिजेंट्री के साथ करता है, ठीक है, ब्लडी डिजेंट्री, ठीक है, इसमें ब्लड ब्लडी डायरिया होता है, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फ्लटरेंस हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस का भी क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये वाला एग्जाम्स में, कि आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए अमीबिक डिजेंट्री में और बेसिलरी डिजेंट्री में। हम लोग क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अमीबिक डिजेंट्री को बेसिलरी डिजेंट्री से, ठीक है, लाइक वार्ड्स वगैरह में आया है तो हमने उससे क्वेश्चन वगैरह करके हिस्ट्री लेकर पेशेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि इसे अमीबिक डिजेंट्री है बेसिलरी, नंबर ऑफ मोशन पर डे। अमीबिक डिजेंट्री में नंबर ऑफ मोशंस क्या होते हैं, कम होते हैं, 6 to 8 मोशंस पर डे होंगे, जबकि बेसिलरी डिजेंट्री में क्या होंगे, मोर देन 10 मोशंस पर डे होंगे। अमाउंट ऑफ फीसेस, अमीबिक डिजेंट्री में एक तो नंबर ऑफ मोशंस कम होंगे कंपैरेटिवली बेसिलरी, मगर अमाउंट ऑफ फीसेस क्या होगा, कॉपियस अमाउंट
फिसिस होगा, वैसे डिसेंट्री में स्केंटी होगा मतलब के थोड़ा होगा, ओडोर ऑफेंसिव होगी अमीबिक डिसेंट्री की, वैसे डिसेंट्री में ओडोर लेस होगा। कलर अमीबिक डिसेंट्री में डार्क रेड शो करता है जैसे अपर जीआईटी से ब्लीड हो रहा हो, मगर मतलब के थोड़ा सा अपर लेवल से कोलोन के लेवल पे ये ब्लीड हो रहा है, इसमें ब्राइट रेड, वैसे डिसेंट्री में ब्राइट रेड कलर होता है। नेचर अमीबिक डिसेंट्री में ब्लड एंड म्यूकस मिक्स विद फीसेस, ब्लड और म्यूकस मिक्स होगा मतलब के लग रहा होगा ब्लड और म्यूकस ही आ रहा है, जबकि इसमें क्या होगा डिसेंट्री में ब्लड एंड म्यूकस विद लिटिल फीसेस, इसमें लिटिल फीसिस होगा जबकि वो मिक्स होगा फीसिस के साथ, पीएच एसिडिक होगी, उसकी अल्कलाइन होगी, कंसिस्टेंसी नॉट एडहेरेंट टू कंटेनर, जबकि बेसिलरी डिसेंट्री में एडहेरेंट टू कंटेनर होगी, ठीक है। आरबीसी के क्लबिंग फॉर्म में होंगे जबकि वो रोलेक्स फॉर्म में होंगे। मैक्रोफेजेस अमीबिक डिसेंट्री में वेरी फ्यू जबकि बेसिलरी डिसेंट्री में लार्ज एंड न्यूमरस, फर्स्ट सेल्स स्केंटी होंगे अमीबिक डिसेंट्री में जबकि बेसिलरी डिसेंट्री में फर्स्ट सेल्स मेनी होंगे, पिकनोटिक बॉडीज कॉमन, और जबकि इसमें से 6 से 7 डिफरेंसेस तो आप लोगों को याद होने चाहिए। एक तो अमीबिक डिसेंट्री में नंबर ऑफ स्टूल्स कम होते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ फीसिस कॉपियस अमाउंट होता है, ओडोर मतलब कि बहुत ज्यादा होती है, ऑफेंसिव ओडोर होती है, नेचर क्या होता है मिक्सड विद स्टूल होता है, डार्क रेड कलर में होगा, मैक्रोफेजेस वेरी फ्यू होंगे, आरबीसी क्लंपिंग फॉर्म में होंगे, फर्स्ट सेल स्केंटी होंगे, पिकनोटिक बॉडीज कॉमन होंगे। ये आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए अमीबिक डिसेंट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भाई अगर हम लैब के अकॉर्डिंग देखें फर्स्ट सेल्स बेसिलरी डिसेंट्री में न्यूमरस होंगे जबकि अमीबिक डिसेंट्री में स्केंटी होंगे, आरबीसी डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, वही रोलेक्स फॉर्म में होंगे बेसिलरी में जबकि अमीबिक डिसेंट्री में क्लंपिंग फॉर्म में होंगे, इओसिनोफिल्स एब्सेंट होंगे जबकि अमीबिक डिसेंट्री में प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेस बेसिलरी डिसेंट्री में प्रेजेंट होंगे अमीबिक में एब्सेंट हो गए, वही वाले जो भी हमने पहले किए तकरीबन वही चीजें। आप लोगों को बैक्टीरिया है तो वो सेकेंडरी होंगे, नॉन मोटाइल होंगे बेसिलरी डिसेंट्री में जबकि अमीबिक में न्यूमरस होंगे और मोटाइल होंगे। और एक और बात की ग्रोथ हम मैकोन किया होगा, मैकोन की एगर पे ग्रोथ क्या है पॉजिटिव होती है शिगेला के लिए जबकि अमीबिक डिसेंट्री में उनमें कोई ग्रोथ शो नहीं होगी, नेगेटिव होगी। क्रॉनिक अमीबियासिस, बहुत से ऐसे आपने देखा होगा 90% केसेस तो वैसे ये सिम्टोमेटिक है, कुछ ऐसे हैं क्रॉनिक अमीबियासिस कुछ पेशेंट्स में होते हैं, लो ग्रेड सिम्टम्स होते हैं जैसे वो कभी कभार डायरिया हो गया ठीक हो गया, वेट लॉस होता है और फटीग होता है, ये क्रॉनिक अमीबियासिस को के साइन एंड सिम्टम्स है। 90% ऑफ इन्फेक्शंस हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस बट दे मे बी कैरियर्स हो सकते हैं कि फीसिस के अंदर सिस्ट आ रही हो, हुज फीसिस कंटेन सिस्ट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर कैरियर होंगे तो वो अदर सबको ट्रांसमिट कर रहे होंगे। एमीबोमा एक टर्म है, ये आप लोगों को टर्म्स का पता होना चाहिए। एमीबोमा एमीबोमा इन सम पेशेंट्स ए ग्रैनुलोमेटस लीजंस कॉल्ड एमीबोमा मे फॉर्म इन द सीकल और रेक्टोसेमाइरल एरिया इन द कॉलन, एक ग्रैनुलोमेटस लीजन ग्रैनुलोमा की तरह का जो जैसे ट्यूबरक्लोसिस में ग्रैनुलोमा होता है, इस तरह ग्रैनुलोमेटस लीजन जो बनता है एक कहाँ पे बनता है सीकल एरिया में या कोलोन एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं एमीबोमा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किससे रिजेंबल करता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन, ये रिजेंबल करता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन से और हमें उससे डिफरेंशिएट करना चाहिए एमीबोमा को, जब भी हमें एमीबोमा नजर आता है तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना चाहिए किससे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन से। अमीबिक अब्सेस क्या होता है, ये मोस्टली केसेस में क्या होता है सिस्टेमिक इलनेस में क्या है अमीबिक अब्सेस वगैरह फॉर्म, लीवर अब्सेस जिसमें प्रेफरेंसली लीवर में अब्सेस बनाते हैं उसमें क्या होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी पेशेंट को, वेट लॉस होगा, फीवर की हिस्ट्री होगी, टेंडर एनलार्ज लीवर होगा, हेपेटोमेगैली होगी। राइट लो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट लो एब्सेसेस कैन पेनिट्रेट द डायफ्राम एंड कॉज द लंग डिजीज, ठीक है, वो डायफ्राम में पेनिट्रेट कर सकती है और लंग डिजीज कॉज कर सकती है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी लीवर एब्सेस की, अब्सेस मे रप्चर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, वही परफोरेट कर गई डायफ्राम में चली गई, लाइनिंग ऑफ द लंग्स को, ठीक है, सैक अराउंड द हार्ट को, ठीक है, रप्चर हो सकती है, ठीक है, एंड द इन्फेक्शन कैन आल्सो स्प्रेड टू द ब्रेन, ठीक है, सिस्टेमिक इलनेस है कोई भी सिस्टेमिक ब्रेन में भी ये कर सकती है स्प्रेड हो जाता है। लैब डायग्नोसिस कैसे करना है, लैब डायग्नोसिस के लिए 2 से 3 है चीजें हैं, ठीक है, डायल स्टूल्स में, ठीक है, and diagnosis of intestinal amebiasis on the finding either trophocytes in the diel stool or cyst on the form, so ठीक है, stool के अंदर हमें या trophocytes मिल जाएंगे, ठीक है, अगर तो ये infectious state में होगा, अगर तो
एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उन्हें हमें उनमें हमें क्या मिलेगा, मोस्टली हमें सिस्ट फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। डायल स्टूल शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन, हमें 1 आवर के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। टू सीधा एमीबॉइड मोटिलिटी ऑफ द ट्रोफोसाइट्स, टू टेस्ट आर हाईली स्पेसिफिक एंड, ठीक है, जिसमें एलाइजा होगा वो डिटेक्ट एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एंटीजन करेगा, और पीसीआर बेस्ड ऐसे, मतलब पीसीआर का क्या है कि वो एक्सपेंसिव होता है इसलिए हम लोग कम करते हैं। हम लोग ने प्रिवेंशन कैसे करनी है, प्रिवेंशन फिकल रूट है, ठीक है, हमें अवॉइड करना है फिकल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, गुड पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज इन एरियाज ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शन, वेजिटेबल शुड बी कुक, वेजिटेबल प्रॉपरली कुक करनी चाहिए ताकि अगर कोई इस तरह के हैं एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वगैरह की सिस्ट वगैरह है तो वो खिल हो जाए। गार्डिया एक एंटीमाइक्रोबियल हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ गार्डिया, ये दोनों क्या करते हैं, डायरिया का सपोर्ट नहीं करते। गार्डिया क्या करेगा, इसका स्कैरियो किस तरह हम आ सकते हैं, स्कैरियो ऐसे आ सकते हैं, ए 40 ईयर ओल्ड मैन कंप्लेंस ऑफ वाटरी फॉल स्मेलिंग डायरिया एंड स्वेटलेस, वाटरी है, फॉल स्मेलिंग है, डायरिया एंड स्वेटलेस फॉर द पास्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स के साथ, ही ड्रैंक अनट्रीटेड वाटर ऑन कैंपिंग ट्रिप अबाउट अ मंथ अगो, पियर शेप्ड फ्लैजेलेटेड ट्रोफोसाइट्स वर सीन इन द स्कूल। इसको इस स्नैरियो में हमें क्या क्या चीजें जा रही है गैडेसिस की वजह से, एक तो वॉटरी फॉल स्मेलिंग डायरिया एंड फ्लैटुलेंस, एक तो ये चीजें हो गई, इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहा है ड्रैंक अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर मतलब कि कोई भी इस तरह अनहाइजीनिक कंडीशन, पियर शेप फ्लैजिला, यहाँ पे पियर शेप फ्लैजिला किन में कॉमन होते हैं, आप लोगों ने ये सोचना है पियर शेप फ्लैजिला किस में होते हैं, कॉमन भी नहीं किस में होते हैं। ट्रोफोसाइट्स अगर आप लोग अपना रिकॉल करें लेक्चर, आप लोगों को याद आएगा पियर शेप फ्लैजिला ट्रोफोसाइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ गार्डिया में होते हैं, वो टिपिकल शेप है, मैं आगे आपको जाके दिखाऊंगी, वो नजर आती है हमें स्टूल के अंदर। इसमें क्वेश्चन यही आपसे आ सकते हैं, वट इज द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस गार्डियासिस अगर कहते हैं, वट इज द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट में आप लोगों ने लिखना है गार्डियल एम्ब्रिया, नेम द प्रोटोजोआ व्हिच कॉजेस डायरिया, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ मैंने स्टार्ट में 3 बताए हैं, ठीक है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, गार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम, बट आर द डिफरेंट स्टेजेस, इसकी स्टेजेस आप लोगों को पता होनी चाहिए गार्डिया की, गार्डियासिस की, ड्रॉ देम, ड्रॉ करनी, वट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ कैन यू डायग्नोज द केस, ये एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। गार्डियल एम्ब्रिया है क्या काज करता है, गार्डियासिस काज करता है। लाइफ साइकिल में इसके 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ट्रोफोसाइट एंड सिस, ये इसका ट्रोफोसाइट, पियर शेप, ये आप लोगों को पियर शेप नजर आ रहा होगा, इसमें 2 जो न्यूक्लिया हैं, इसके अलावा ये क्या है, फ्लैजिला में नजर आते हैं, एज ऑफ, यहाँ पे हमें एज ऑफ सक्कर भी नजर आ रहा है, ठीक है, एक सक्कर सा होता है, मगर ये पियर शेप जो है ट्रोफोसाइट है इसके लिए टिपिकल है, ये यंग सिस्ट दिखाई हुई है, ओल्ड सिस्ट दिखाई हुई है, ट्रोफोसाइट यहाँ पे अटैच टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा दिखाया हुआ है आप लोगों को। ओवल सिस्टिस की क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं एंड सेवरल इंटरनल फाइबर्स, कई दफा ये होता है सिस्ट वगैरह की शेप आई हुई होती है आप लोगों को ऑस्पी वगैरह में, और साथ सिनेरियो होता है और आप लोगों क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डायग्नोसिस पूछ लेंगे आपसे, प्रिवेंशन पूछ लेंगे, लाइफ साइकिल पूछ लेंगे, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो ईच सिस्ट गिव राइज टू 2 ट्रोफोसाइट्स, एक सिस्ट क्या करेगी, 2 ट्रोफोसाइट्स को देगी ड्यूरिंग एक्सेसेशन इन द इंटरसाइनल ट्रैक, ट्रांसमिशन अकर्स बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट इन द फीकली कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसमें भी फीकली कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर होगा, एक्सेस्टेशन टेक प्लेस इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर एक्सेस्टेशन होगी, वेयर द ट्रोफोसाइट्स अटैच टू द गट वॉल बट डोज नॉट इन्वेड, वहां पे इन्वेजन नहीं होगी, ट्रोफोसाइट्स कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ड्यूडिनल म्यूकोसा, इन्फ्लेमेशन करेंगे लीडिंग टू द मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट, क्या करेंगे, लीडिंग टू द मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट। Approximately half of these infections are asymptomatic carriers who continue to exist for years. IgA deficiency जो है ना greatly predisposed to the symptomatic infections. IgA deficiency जिन patients में होगी उसमें क्या होगा, mostly symptomatic infections होगा. Symptoms क्या होंगे, वही diarrhea हो गया, loose or watery stools जो हमने पढ़ा है, foul smelling stools होंगे, stomach cramps होंगे, upset stomach होगा, weight loss होगा, डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री होगी, मगर फीवर वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, नो फीवर, सम पेशेंट्स में भी एसिम्प्टोमेटिक। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमने कैसे करना है, ट्रोफोसाइट्स आर सिस्ट इन डायरियल स्टूल्स, ठीक है,
एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के अंदर हमें क्या मिल सकती है, सिस्ट भी मिल सकती है। एन इलाइजा टेस्ट हम यूज करेंगे टू डिटेक्ट द गार्डिया टेस्ट वॉल एंटीजन। गार्डिया वॉल एंटीजन जो है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं स्टूल के अंदर, इलाइजा के थ्रू। एक तो हम लोग स्टूल की स्लाइड्स देख लेंगे, उसमें हमें ट्रोफोसाइट्स और सिस्ट मिल सकता है, पियर शेप ट्रोफोसाइट मिलेंगे, सिस्ट मिलेगी तो उसे हमें एनवेलप्ड और विद फोर न्यूक्लाई मिलेगी। जबकि हम इलाइजा टेस्ट कर सकते हैं गार्डिया सिस्ट के लिए, उसमें हमें क्या करेगा वो गार्डिया सिस्ट वॉल एंटीजन को करता है। स्ट्रिंग टेस्ट एक और हम टेस्ट करते हैं इसके लिए, स्ट्रिंग टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जेलेटिन कैप्सूल अटैच विद द लॉन्ग स्ट्रिंग, जेलेटिन कैप्सूल को स्वेलो करते हैं, ठीक है, उसके साथ एक लॉन्ग स्ट्रिंग अटैच होती है जो कि स्ट्रिंग जो है ना माउथ के आउटसाइड ही हम लोग टेप कर देते हैं। कैप्सूल जो है स्टोमक के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, स्ट्रिंग पासेस इनटू द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम तक जाती है। उसे हम 4 से 6 घंटे के लिए रखते हैं, देन हम विदड्रॉ करते हैं एंड एंड दिस एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे फॉर पैरासाइट दैट आर अटैच टू द इट। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रोनिडाजोल है। उसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इन्वॉल्व ड्रिंकिंग बॉइल्ड फिल्टर्ड और आयोडीन ट्रीटेड वाटर इन एंडेमिक एरियाज। अब हमने नेक्स्ट करना है ब्लड प्रोटोजोआ, जिसमें सबसे पहले हम मलेरिया करेंगे और लेशमेनिया को भी हम थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे देंगे ताकि जल्दी जल्दी हम लोग के ये कवर हो जाए। पहले तो आप लोग को साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाए तो हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, सडन ऑनसेट है, शेकिंग चिल्स है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग वगैरह हो रही है, ये किस तरफ जा रहा है, मलेरिया के टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स है। उसको हेडेक की कंप्लेन है, एब्डोमिनल पेन की है, बट नोजिया वॉमिटिंग डायरिया नहीं है। नेक स्टिफनेस का उसने क्यों बता दिया, नेक स्टिफनेस ताकि आप लोग मेनिनजाइटिस वगैरह की तरफ ना चले जाओ, कोई इस तरह की नहीं है या अल्टर कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्लड स्मेयर जब उसका किया है तो पेशेंट का क्या नजर आ रहा है, हमें रिंग ट्रोफोसाइट्स विद इन द आरबीसी। रिंग ट्रोफोसाइट्स किस में होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं विद इन द आरबीसी, मलेरियल कंडीशंस में। अब आगे वो किसी भी तरह के आपके मलेरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकते हैं आपको रिंग ट्रोफोसाइट की पिक्चर दिखा दे और फिर ये साफ स्नैरियो और आप लोगों से क्वेश्चन हो, बट इज द डायग्नोसिस वो पूछ सकते हैं, डायग्नोसिस क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज 3-4 है तो उनके नाम पूछ सकता है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की जो कॉम्प्लिकेशंस वो कॉज करता है, जो डिजीज कॉज करता है उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वो कह सकता है, हाउ कैन यू डायग्नोज द केस इन लैब, आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसका। वही ह्यूमन मलेरिया इज कॉज बाय वन ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के साथ भी हो सकता है, वेवैक्स के साथ, ओवेल के साथ, मलेरिया के साथ, ठीक है, फैल्सीपैरम के साथ ये हो रहा है। मलेरिया ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आप लोगों को लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट करती है, स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट करती है, उसके बाद क्या होता है वो लीवर सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, शिजॉन्ट्स बनते हैं, शिजॉन्ट्स रप्चर होते हैं, वहां से म्यूरोसाइट्स निकलते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करती हूँ। म्यूरोसाइट्स होते हैं वो आरबीसीज के अंदर जाते हैं, आरबीसीज के अंदर वो रिंग शेप बनाते हैं जिसे हम ट्रोफोसाइट्स बोलते हैं, रिंग ट्रोफोसाइट्स। उसके बाद वहीं पे दोबारा एरिथ्रोसाइट शिजॉन्ट बनेंगे, वो रप्चर होंगे और म्यूरोसाइट्स रिलीज करेंगे, इस तरह गैमिटोसाइट्स बनेंगे, गैमिटोसाइट्स क्या है वो दोबारा से जाके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है दोबारा से सक करेगी और वहां पे जाके जाइगोट बनेगा और दोबारा स्पोरोसाइट्स बनेंगे। सेल साइकिल इन मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, ये मॉस्किटो के अंदर साइकिल है जबकि ये ह्यूमन सेल्स के अंदर, ह्यूमन ब्लड से ये मॉस्किटो ने ब्लड सक किया, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स, ठीक है, गैमेटोसाइट्स जो है माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स सक किए, ठीक है, वहां से जाइगोट बना, जाइगोट
बना, जाइगोट क्या होता है, मॉस्किटो की मिडगट के अंदर बनता है, ठीक है। वहां से ओवोगनाइट, वहां से ओवोगनाइट जो है मिडगट से अब स्लाइवा में जाता है, वो सिस्ट की फॉर्म में, वो सिस्ट की फॉर्म में जाता है, वो सिस्ट बर्स्ट करती है उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, और वहां पे क्या हो जाते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर बस के, और स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर बस्ट करती है तो वहां पे क्या रिलीज होते हैं, स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स रिलीज हुए, दोबारा उसने इंजेक्ट किया, ब्लड से ब्लड से किया या इंजेक्ट किया, साथ स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट करती है ब्लड के अंदर। स्पोरोसाइट्स क्या करते हैं, हेपेटिक सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। हेपेटिक सेल्स के अंदर क्या होंगे, दोबारा से रेप्लीकेट होंगे, ठीक है, मेच्योर लीवर शेजॉन्स, ठीक है, ये मेच्योर लीवर शेजॉन्स लीवर सेल्स के अंदर हुए, तो मेच्योर लीवर जिसमें रेप्लीकेट होते जा रहे हैं, ठीक है, मेच्योर लीवर शेजॉन्स बना, शिजॉन्स में रप्चर हुआ, वहां से क्या रिलीज होते हैं, म्यूरोसाइट्स। म्यूरोसाइट्स रिलीज हुए, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एंटर हुए, एरिथ्रोसाइट्स में क्या बना रहे हैं, ट्रोपोनोसाइट्स। ट्रोपोनोसाइट्स वही क्या है, रिंग शेप, रिंग शेप ट्रोपोनोसाइट्स, रिंग शेप बनाया, उसके बाद वो मेच्योर हुए, वहां पे फिर एरिथ्रोसाइटिक शिजॉन्स बना, एरिथ्रोसिस्टिक शिजॉन्स बनने के बाद, एरिथ्रोसिस्टिक शिजॉन्स बनने के बाद वो रप्चर हुए, और वहां से क्या होता है, म्यूरोसाइट्स निकले और जिसमें गैमेटोसाइट्स वगैरह निकले। ये जो लाइफ साइकिल है, एक साइड पे उसके अंदर हो रहा है मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, दूसरी साइड पे ह्यूमंस के अंदर हो रहा है। ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट पिक्चर है। ना स्टेप वन पे हम लोग देखेंगे, जैसे मॉस्किटो ने ब्लड मील लिया, ठीक है, उसने ब्लड मील लेते वो क्या करता है, ये इन्फेक्टिव स्टेट है, वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, इंजेक्ट कर देते हैं स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट किए, स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट किया, स्पोरोसाइट्स क्या होता है, लीवर सेल्स के अंदर हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एरिथ्रोसाइट से बाहर हो रहे हैं साइकिल। लीवर सेल्स के अंदर हुए, लीवर सेल्स के अंदर क्या हुआ, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हुई, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज चल रही है, ठीक है, वो लीवर सेल्स के अंदर रेप्लीकेट हुआ, रेप्लीकेट होने के बाद शेजॉन्स बनाई, ठीक है, हेपेटिक शेजॉन्स है, लीवर सेल्स के शेजॉन्स है, वो रप्चर हुए। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर फोर पे, स्टेप नंबर फोर पे रप्चर हुए और म्यूरोसाइट्स रिलीज हुए, म्यूरोसाइट्स रिलीज हुए तो वो क्या है, ह्यूमन ब्लड स्टेजेस। अब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हुए, पहले क्या था, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल था, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल था, अब क्या है, ये जो कि लीवर सेल्स के अंदर हो रहा है, इसके बाद क्या है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये क्या, एरिथ्रोसाइट्स ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर हुए, ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर हुए, उन्होंने क्या किया, इमेच्योर ट्रोफोसाइट्स बनाए, इमेच्योर ट्रोफोसाइट जो कि रिंग शेप है, इमेच्योर ट्रोफोसाइट इसमें कन्वर्ट होते हैं फिर मैच्योर ट्रोफोसाइट में, मैच्योर ट्रोफोसाइट वही रेप्लिकेट वगैरह हुए, क्या फॉर्म किया, शिजॉन्स बनाए, शिजॉन्स रप्चर हुए, म्यूरोसाइट्स दोबारा से रिलीज हुए, और आरबीसी को करेंगे इन्फेक्शन, और आरबीसी को करेंगे, साथ ही क्या होते हैं, इमेच्योर ट्रोफोसाइट्स क्या होते हैं, वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। स्टेप नंबर सेवन, इमेच्योर ट्रोफोसाइट जो है गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, गैमेटोसाइट्स जिसमें माइक्रोगैमेट्स भी होते हैं और मैक्रोगैमेट्स भी होते हैं। दोबारा से मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने टेक्स ब्लड मील, ठीक है, इंजेस्ट करता है गैमेटोसाइट से, वो इंजेक्ट कर रहा होता है स्पोरोसाइट्स, इंजेक्ट कर रहा होता है, तो इंजेस्ट क्या कर रहा होता है, गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट इंजेक्ट किया और माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मैक्रोगैमेटोसाइट्स, मैक्रोगेमिटोसाइट्स के अंदर जब माइक्रोगेमिटोसाइट्स एंटर होंगे, माइक्रो आप लोग कह सकते हैं मेल है और मैक्रो जो है फीमेल है, ठीक है, दोनों क्या हुए, कंबाइन किए, क्या बना, जाइगोट बना, ओवोगनाइट। ओवोगनाइट क्या होता है, ये उसी के अंदर ओवोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी गट में ओवोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, ओवोसिस्ट जो है स्लाइवरी ग्लैंड में जाती है, रप्चर होती है, स्टेप नंबर 12 की बात करी हूँ, रप्चर होती है ओवोसिस्ट और क्या करती है, रिलीज ट्रोफस स्पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स, ठीक है, ये जो है ये साइकिल किसके अंदर हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर, ओवोसिस्ट उसने रप्चर हुई है और उसने क्या किया, स्पोरोसाइट रिलीज किए हैं, दोबारा से वो ह्यूमन को आके इन्फेक्ट करेगा। साइकिल के कितने पार्ट्स हैं, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक जो साइकिल जो ह्यूमन में हो रहा है, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक है, एरिथ्रोसाइटिक है, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक किसमें है, जो लीवर के अंदर हो रहा है, और एरिथ्रोसाइटिक किसमें है, जो ब्लड के अंदर हो रहा है, और इसके बाद स्पोरो बोनिक साइकिल है, वो किसमें स्पोर्स बन रहे हैं या कुछ और बन रहा है, स्पोरोसाइट्स बन रहे हैं, वो किसमें बन रहे हैं, वो मॉस्किटो के अंदर बन रहे हैं। एक गैमेटोजेनी होती है, वो गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं, ये देखो वो, ये स्टेप्स हैं इसके, आप लोगों को पता चाहिए। प्रीथ्रोसाइट्स वही ह्यूमन साइकिल के अंदर क्या है, प्रीथ्रोसाइटिक, प्रीथ्रोसाइटिक शिज़ोगैनी है, प्रीथ्रोसाइटिक शिज़ोगैनी है, एरिथ्रोसाइटिक शिज़ोगैनी है, गैमेटोगैनी है, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक शिज़ोगैनी है, ठीक है। प्रीथ्रोसाइट्स जो एरिथ्रोसाइट से पहले हो रहा है, एरिथ्रोसाइट्स
शीत हो गया जो इट्रोसाइट के अंदर हो रहा है, गैमेटोगोनी जिसमें गैमेट्स बन रहे हैं, एक्सो इट्रोसाइट सिस्टिक शीतोगोनी जो एक्सो इट्रोसाइट्स के बाहर हो रहा है। प्रीथ्रोसाइट्स में क्या होता है, प्रीथ्रोसाइट्स में होता है जो प्रीथ्रोसिस्टिक शीतोगोनी जो लीवर सेल से पहले हो। इवेंट्स इन द ह्यूमन स्टार्ट विद द बाइट ऑफ मॉस्किटो, बाइट ऑफ मॉस्किटो से स्टार्ट होगा इवेंट, ठीक है। मैन क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है, मॉस्किटो क्या है, वो डेफिनेटिव होस्ट है। मॉस्किटो ने क्या करना है, गैमेटोसाइट्स फ्यूज एंड स्पोर, मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, गैमेटोसाइट्स फ्यूज होंगे एंड स्पोरोसाइट्स डेवलप होंगे। स्पोरोसाइट्स आर इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म इनकी कौन सी है, स्पोरोसाइट्स है। स्पोरोसाइट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल वन ऑफ दीज मॉस्किटो, ठीक है। आफ्टर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्पोरोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, फीमेल मॉस्किटो ने बाइट की, स्पोरोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। कैप्रीज के अंदर चले गए, कैप्रीज से कहाँ चले गए, लिम्फ नोड, लिम्फ सेल्स में चले गए, कैप्रीज में चले गए, वहां से लीवर सेल्स के अंदर एंट्री करनी है, शिजोन्स बनाने हैं, लीवर सेल्स के शिजोन्स स्ट्रक्चर होंगे, वो आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे। मगर मैन क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है, मॉस्किटो क्या है, डेफिनेटिव होस्ट है, और इनके इन्फेक्टिव फॉर्म्स क्या है, स्पोरोसाइट्स। ये दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। प्रीथ्रोसाइटिक साइकिल, स्पोरोसाइट्स अंडरगो डेवलपमेंटल फेज इन द प्रीथ्रोसाइटिक साइकिल, इथ्रोसाइट के अंदर होने एंटर होने से पहले प्री इथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी के अंदर एंटर होने से पहले वाली साइकिल क्या है, प्री इथ्रोसाइटिक। स्पोरोसाइट्स क्या है, डेवलपमेंटल फेज इन द लीवर सेल्स के साथ, वो क्या होंगे, लीवर सेल्स के अंदर एंटर हुए, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन हुई, रेप्लिकेशन हुई, ठीक है, डिवीजन हुई, क्या बन गया, शिजोन्स बनाते हैं, शिजोन्स बन गए, शिजोन्स रप्चर हुआ, उसने क्या रिलीज किया, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई, ये शिजोन्स बनाया, ठीक है। शिजोन रप्चर हुआ, उसने क्या रिलीज किया, मीरोसाइट्स रिलीज किए। ऑन मैच्योरेशन लीवर सेल रप्चर लिबरेट मीरोसाइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इथ्रोसाइटिक साइकिल। इथ्रोसाइट साइकिल में क्या होता है, मीरोसाइट्स रिलीज जो हुए हैं उन्होंने क्या करना है, इन्वेड द आरबीसीज, उन्होंने आरबीसीज के अंदर इन्वेजन करनी है। प्लाज्मोडियम विवेक्स इन्फेक्ट्स यंगर इथ्रोसाइट्स, आप लोगों को ये बताना है, डिफरेंट प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंट स्टेजेस पे इन्फेक्ट करते हैं, यंगर इथ्रोसाइट्स को करता है मलेरिया जो है, ओल्ड को करता है फैल्सीपैरम जो है, ऑल स्टेजेस ऑफ आरबीसी को करेगा, आरबीसी किसी भी एज में होंगे उनको इन्फेक्ट करेगा। इथ्रोसाइटिक शिजोगानी, इथ्रोसाइटिक में शिजोगानी में वही है, लिबरेट मीरोसाइट, लिबरेटेड मीरोसाइट्स जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है। मीरोसाइट्स आरबीसी के अंदर हुए हैं, उन्होंने रिंग फॉर्म बनाई है जिसे हम ट्रोफोसाइट्स कहते हैं, ट्रोफोसाइट्स कहते हैं, दोबारा उनकी डिवीजन हुई, ठीक है। वहां पे क्या ट्रोफोसाइट्स से मैच्योर ट्रोफोसाइट्स हो गया, ठीक है, उनकी डिवीजन हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिजोन फॉर्म हो रहा है, दोबारा से शिजोन एथ्रोसाइटिक शिजोन रप्चर होगा तो क्या बनेंगे, मीरोसाइट्स बनेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सोइथ्रोसाइटिक फेज, एक्सोइथ्रोसाइटिक फेज होती है वही टिश्यूज के अंदर होती है, मलेरिया और फैल्सीपैरम स्पोरोसाइट्स हैं, ये डू नॉट फॉर्म हिप्नोसाइट्स, ये हिप्नोसाइट्स नहीं बनाते, ये क्या है, टिश्यू फेज है, वहां पे जाके स्टैटिक हो जाते हैं, डिवेलप डायरेक्टली इनटू प्रीथ्रोसाइटिक शिजोन्स इन द लीवर, शिजोन्स रप्चर रिलीज मीरोसाइट्स व्हिच इन्वेड इन द आरबीसीज इन द लीवर। गैमेटोगोनी, मीरोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, दे डिवेलप इनटू द रेड सेल्स फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर्स, माइक्रोगैमेटोसाइट्स ऑफ ऑल द स्पीशीज आर सिमिलर इन शेप, मैक्रोगैमेटोसाइट्स आर लार्जर इन द साइज। मॉस्किटो साइकिल, मॉस्किटो के अंदर साइकिल मैं आप लोगों को बार बार बना चुकी हूँ, क्या है, ह्यूमन से उन्होंने इंजेस्ट किया, गैमेटोसाइट्स इंजेस्ट किए, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, गैमेटोसाइट माइक्रोगैमेटोसाइट्स पेनिट्रेट इनटू मैक्रोगैमेटोसाइट्स, जाइगोट फॉर्म होगा जिसे ओओगैनाइट कहेंगे, ओओगैनाइट किस में कन्वर्ट होगा, ओओसिस्ट में, ओओसिस्ट मैच्योर होकर क्या करेगी, रिलीज करेगी लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स जो कि उसके स्लाइवी ग्लैंड में पड़े होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स ने सक किया, ठीक है, ओओसिस डिवेल्प, ओओसिस में मिड गट वॉल में डिवेल्प कर रही है, ठीक है। गट वॉल से क्या होता है, स्पोरोसाइट डिवेल्प इन इन ओओसिस, ओओसिस के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोसाइट डिवेल्प हो रहे हैं, और स्पोरोसाइट क्या है, स्लाइवी ग्लैंड के अंदर माइग्रेट कर रहे होते हैं। हमें सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स तो यही है, फीवर, हाइग्रेड फीवर, हेडेक, चिल्स एंड वॉमिटिंग, यूजली ये 10 to 15 डेज के अंदर अपियर हो जाते हैं। एक आप लोगों को स्टेजेस पता होने चाहिए, मलेरिया कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करता है, एक कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज होती है, और स्वेटिंग स्टेज होती है। कोल्ड स्टेज क्या होती है, 15 मिनट्स टू 1 आवर के लिए शिवरिंग होगी, चिल्स होंगे, इट इज ड्यू टू द रप्चर फ्रॉम द होस्ट और आरबीसी एस्केप इनटू द ब्लड।
में प्रेजेंट फिरता नॉजिया वॉमिटिंग एंड हेडेक के साथ। स्टेज टू में क्या होता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, और इसमें पेशेंट को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। स्टेज थ्री में क्या होता है, स्वेटिंग, पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट स्टार्ट स्वेटिंग एंड कंक्लूड द एपिसोड। ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये स्टेज में कोल्ड स्टेज है जिसमें पेशेंट को ठंड लग रही है, सारे के सारे लहाव हो रहे हैं, ठीक है। हॉट स्टेज, एकदम से गर्मी लगना शुरू हो जाती है, उसमें नेक्स्ट क्या है, स्वेटिंग स्टेज, उसके बाद क्या होता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। दी मोस्ट कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट फीवर, चिल्स, स्वेट, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक एंड जनरल मलेरिया। आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है मलेरिया की, कॉम्प्लिकेटेड कई दफा अल्टर इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मल्टीपल जनरलाइज्ड कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर, शॉक में जा सकते हैं पेशेंट को, एडिमा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जॉन्डस, हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, अभी मैं बताती हूँ, एक्यूट रीनल फेलियर, स्वेयर एनीमिया, हाई ग्रेड फीवर और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। ये तीन स्वेयर मैनिफेस्टेशन है पेशेंट की, सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है, स्वेयर एनीमिया हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन पूछ लिया है, आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है पेशेंट में, स्वेयर एनीमिया हो सकता है, ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है। Why Plasmodium falciparum infections are dangerous? यही Plasmodium falciparum infections क्यों dangerous है? इन्हीं वजह से, इन complications की वजह से, cerebral malaria की वजह से, malarial hyperpyrexia की वजह से, gastric GI disorder की वजह से, shock की वजह से, black water fever can lead to death. Cerebral malaria. Cerebral malaria क्या होता है? Malignant malaria can affect the brain and rest of CNS. Brain को affect करेगा और rest of CNS करेगा. It is characterized by changes in the level of consciousness. ब्लैक वाटर फीवर में क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर डिस्क्राइब, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय, कॉर्पसल्स जो है वो डिस्ट्रॉयड होंगे, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, वो एक्सक्रीट जब यूरिन में करेगा तो यूरिन में हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, वो यूरिन में ये एक्सक्रीट किया तो डार्क कलर, जो कोला कलर यूरिन होगा, इसी वजह से हम उसे कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या करना है, ब्लड फिल्म्स के ऊपर, ठीक है, थिक एंड थिन ब्लड फिल्म्स, इसके लिए हम कौन सा स्टेन चूज करते हैं, जेंसर स्टेन करते हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये आईसीटी किट्स हैं जिससे हम लोग मलेरियल एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, और पीसीआर है, ठीक है, न्यू ब्लड स्मियर है, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं ड्रॉप ऑफ पेशेंट ब्लड, ठीक है, स्प्रेड कर लेते हैं, और हम कौन सा स्टेन इसमें डालते हैं, जेंसर स्टेन डालते हैं, ठीक है। ये टेक्निक क्या किया जाती है, इसमें हमें क्या होता है, रिंग शेप ट्रोफोसाइट्स नजर आ सकते हैं, टेक्निक रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी कंफर्मेशन। एंटीजन डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं, हम वही रैपिड डायग्नोस्टिक किट जिसे आईसीटी किट्स कहते हैं, और इम्यूनोक्रोमो, उन पर कौन सी टेक्निक यूज हो रही होती है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज हो सकती है। ये किससे डिटेक्ट करते हैं, HRP2 पर जो एंटीजन है दैट आर स्पेसिफिक फॉर Plasmodium falciparum। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में PCR है वो, जबकि बहुत एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट है मगर एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम लोग इसे कम यूज करते हैं। सेंसिटिविटी, सबसे पहले सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है, सेंसिटिव है, PCR सेंसिटिव है, और उसके बाद ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स को, ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स पहन के, ट्राउजर्स वगैरह पहन के, शॉर्ट्स ना पहने, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स को, रिपेलेंट क्रीम्स और स्प्रेज वगैरह को यूज करके, कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए लोग यूज करते हैं मेफ्लोक्वानिन, डॉक्टर देते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए मेफ्लोक्वानिन देते हैं, ठीक है, 250 मिलीग्राम वीकली के लिए। ज्यादा जिन्होंने इनमें इंडिकेशन किसकी होती है, जिन्होंने ट्रेवल करना लार्ज टू एंडेमिक एरियाज के लिए। लेश्मेनियासिस है, हम जल्दी से ओवरव्यू दे लूं, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये भी ब्लड प्रोटोजोन है, ठीक है। इसका स्नैरियो किस तरह आता है, ए 15-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, फीवर की हिस्ट्री है, वेट लॉस, मल्टीपल नोड्यूल्स ओवर द स्किन एंड डार्क डिस्कलरेशन।